बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी क्रॉकरी शॉपिंग शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा शौक़ है वो सबसे ज़्यादा ये है कि मेरे पास अच्छे अच्छे बर्तन हों, और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे बर्तन लूँ और किचन भी अच्छा हो। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया क्रॉकरी शॉपिंग में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने फ्राई पैन लिया, सोनिक्स का नॉन स्टिक का फ्राई पैन है। ये मैंने लिया 1070 रुपये का मिले मुझे। और उसके बाद मैंने ये एक तवा लिया, ये भी नॉन स्टिक का है, सोनिक कंपनी का। ये मुझे मिला 1260 रुपये का। ये मैंने इन दोनों चीज़ें इम्तियाज से ली। और ये लिया है, ये मुझे 1270 रुपये का मिला है। ये भी सोनिक्स कंपनी का ही है। ये दो चीज़ें दी मैंने नॉन स्टिक की इम्तियाज से, साथ साथ कैसे करते जाते हैं ताकि गन ना पड़े। शॉप से सही नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं आपको सामने ओपन करके दिखाती हूँ आपको। बहुत हैवी है, नॉन स्टिक का बर्तन हैवी होता है, इसको चलाना भी बहुत ध्यान से होता है। ज़रा सी इसमें कोई चीज़ मार दो, चमचा वगैरह मार, इनके लिए स्पून भी जो होते हैं वो नॉन स्टिक के ही होते हैं, सिलिकॉन के, वही इनमें यूज़ होते हैं। इनके इनको निशान पड़ जाता है फिर जो कलर उतर जाते हैं। ये हो गए। मैं आपको मैं ये दिखाती हूँ पतीले, ये मैंने छोटे छोटे पतीले लिए, चार पतीले लिए इनके साथ। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। ये मुझे मिले हैं 1200 रुपये। इनके ऊपर हैंडल सा नहीं है, ये सादे हैं। ये भी इसके चार, ये हो गए। कभी पैक करती हूँ साथ। इसके बाद एक बाउल लिया मैंने कांच का, ये मैंने मुझे मिल गया 200 रुपये का। ये मिले, इतना बड़ा नहीं है, इसके तीन सेट होते हैं। तो ये मैंने सिंगल पीस लिया, ये दरमियाना पीस है। ये भी हो गया। अब उसके बाद ये दिखाती हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये कटर लिया, एक कटर जिसमें अंडा बॉयल करके तो इसके दरमियान में रखो तो ऊपर से प्रेस करो तो इसके पीसीज हो जाते हैं। ये तस्वीर भी सामने बनी हुई है। ये लिए छोटा सा मैंने कद्दूकश लिया, जैसे हम कोई टिक्कियाँ वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना तो फिर आलू वगैरह या कोई गाजर वगैरह थोड़ी सी, तो इसमें कद्दूकश कर लिया। ये छोटा मैंने लगा दिया। ये एक चिमटा लिया, हमने कबाब वगैरह बनाओ तो फिर उसको काम आता है, इसमें छन्नी से सारा ऑल भी निकल जाता है। ये लिए ये मुझे 120 रुपये का ये मिला, और 100 रुपये का ये लिया मैंने, 120 रुपये का ये लिए। और एक ये मैंने कटिंग बोर्ड लिया जिसमें फ्रूट वगैरह काट लो, प्याज वगैरह भी काट लो, ये छोटे साइज़ का मैंने लिए, ये भी मुझे 120 रुपये का मिला। उसके बाद ये मैंने सिलिकॉन के दो चम्मच लिए हैं सालन बनाने के लिए,
कोई इसमें चावल वगैरह बनाने के लिए ये लिए हैं। सिलिकॉन का मतलब ये होता है कि उसमें ये ओरिजिनल होता है कि हम बनाएं और इसमें हीट पड़े या ये ज़्यादा गर्म हो जाए, जैसे हम खाना बनाते बनाते तो ये पिघलता नहीं है इधर से। ये लिया मैंने, जब ये मुझे 250 के दोनों मिले हैं। ये स्टेनर सेट है, इनमें जिसको हम छन्नी वगैरह बोलते हैं, इसमें चाय वगैरह भी छानते हैं। तो ये 3 पीस का सेट है और इसमें हम कोई मैदा वगैरह या कोई हम कोई कुकिंग कर रहे हो तो उसकी कुछ छोटी मोटी चीज़ हम इसमें छान लें। ये बड़े साइज़ का जो है तो छोटी चाय वगैरह छानने के लिए काम आती है। ये 150 का 3 पीस मिले। तो ये लिया मैंने, ये मेजरिंग कप एंड स्पून का सेट है। तो ये मुझे 150 का मिला है। काफ़ी शेड कलर में आते हैं, डिज़ाइनिंग में आते हैं, लेकिन मैंने ये सिंपल सा डिज़ाइन दिया। इसमें स्पून भी है और ये कप भी है। 150 का ये मुझे सेट मिला पूरा। और ये चिमटा लिया पराठा वगैरह बनाने के लिए या फिर कोई चीज़ जैसे ऑयल में हम बना रहे हो तो उसको उठाने के लिए काम आता है। ये भी 150 का मिला है। और ये भी स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर है। एक ये चम्मच लिया मैंने पूरी चावल वगैरह बनाने के लिए। और ये 2 स्ट्रेनर लिए हैं मैंने, जैसे हम पकौड़े वगैरह या चिप्स वगैरह फ्राई कर रहे हों तो उसको ऑयल में, ऑयल इसमें ड्रेन होता है, सही तरह निकल जाता है ऑयल इसमें। ये भी 2 लिए मैंने। ये 120 का एक है, एक मिला है। और ये भी, ये 150 की मिली है। ये भी क्वालिटी अच्छी है, प्रेस नहीं होने वाली, इतनी हार्ड है। उसके बाद एक मैंने 2 पीस का सेट लिया है। इसमें ये पेस्टिंग ब्रश है और ये स्पैचुला है, ये भी सिलिकॉन का ही है। तो इससे हम वो कोई ये बना रहे हों, इनमें कोई हम बारबेक्यू वगैरह बना रहे हों तो उसको ऑयल वगैरह लगाने के काम आते हैं। और ये स्पैचुला के साथ ये मुझे 150 का सेट मिला 2 पीस का। उसके बाद जो मैंने कटर लिए, क्योंकि कटर लिए हैं ये मैंने, ये हार्ट शेप में, इसमें कितने पीस हैं, 5 पीस का ये सेट है। तो ये भी मुझे 150 का मिला। एक इस तरह की शेप में लिया और एक ये शेप है, चकोर शेप में ये लिया मैंने। ये भी 5 पीस का सेट है, ये भी 150 का मिला। कुकीज़ कटर, बिस्किट वगैरह बना रहे हो या कोई भी मिठाई वगैरह तो उसको उसको काट लो। और ये एक मैंने फ्राइज कटर लिया है। हम फ्राइज वगैरह करते हैं तो उसमें आलू रखो तो उसको प्रेस करो तो वो फ्राइज की शेप में कट जाता है। ये मुझे मिला है 100 रुपये का, तो मैंने 100 रुपये का लिया। और ये भी 2 चम्मच लिए हैं खीर वगैरह बनाने के लिए, जो मीठा शीठा हम इससे बना सकते हैं, इससे काम आता है। और ये सर्व करने में, जैसे मेहमान वहमान आ जाए तो हम इसको बोल में रखते हैं तो उससे सर्व कर लो। और एक ये लिया मैंने डेकोरेटेड, जैसे केक वगैरह बनाऊँ तो साइडों से इसके डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन वगैरह बनते हैं और जो क्रीम वगैरह होती है एक्स्ट्रा उसको निकालने में अच्छी शेप भी आ जाती है इससे। ये लिया मैंने, ये मुझे मिला 120 रुपये का। उसके बाद ये भी मैंने स्ट्रेनर लिए हैं 2, ये 2 पीस का सेट है। इसमें मैं हमको इससे भी हमको ये चीज़ वगैरह छान सकते हैं, इस पर तस्वीर बनी हुई है, ये तस्वीर वगैरह भी बनी हुई है।
जब मुझे मिला 120 रुपये के दो। मेरी चम्मच लिया, ये मुझे भी सिलिकॉन का ये हार्ड है, इसमें नॉन स्टिक वगैरह में भी ये काम आ जाता है। इसमें पकाने सकाने में कोई चीज़ हम पकाश कर रहे हो तो उसके लिए इस तरह के चमचे बेहतर रहते हैं, तो उनमें निशान वगैरह नहीं पड़ते। ये भी चावल वगैरह बनाने के लिए दिया मैंने, ये भी मुझे मैंने 150 रुपये का। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें, ये मैंने होल सेल पर जो शॉप है ना वहाँ से लिए। और ये मैंने लिया हैंड क्लिप, तो दो पीस का सेट है जो भी मुझे 150 रुपये का मिला। तो इसमें ओवन वगैरह में कोई चीज़ रख रहे हो तो फिर इस तरह गर्म चीज़ इसको पकड़ने में काम आती है, हाथ वगैरह नहीं जलता। ये मैंने दो पीस का सेट लिया। और ये एक मैंने लिया केक डेकोरेटर है, ये नोजल सेट इसको बोलते हैं, तो इसमें 15-15 पीस का ये सेट है। ये भी 150 रुपये का मिला मुझे। जब केक बना रहे हो तो उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ये लिए और ये एक मैशर लिया मैंने, ये भी मुझे 120 रुपये का मिला है। जब आलू वगैरह बॉईल करो तो उससे अच्छी तरह मैश हो जाती हैं। और भी कबाब वगैरह बनाने के लिए कोई चीज़ ली हो तो अगर ब्रांडेड ना यूज़ करो तो इसके साथ भी बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। एक ये लिए। अब मैं दूसरे शॉपर आपको खोल के दिखाती हूँ। ये तीन बॉक्स लिए हैं मैंने, इसमें हम कोई ड्राई फ्रूट वगैरह रख सकते हैं या आप चाहें तो कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, रख सकते हैं। ये 120 के मुझे तीन मिले हैं बॉक्स, मजबूत हैं चिकन वाले। इसमें चीज़ जो चीज़ हम रखते हैं सेव रहती है, जो गिरती नहीं है। और ये एक मैंने ग्लास लिए, ये एक ग्लास लिया मैंने, ये मुझे दिया 120 रुपये का जूस वगैरह पीने के लिए। इसके साथ ये पाइप भी दिया हुआ है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद ये मैंने दो बाउल लिए हैं ऑरेंज कलर के हैं, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, मजबूत है। ये लिए मैंने और ये दो कटोरियाँ ली हैं, ये वैसे तो नूडल्स के साथ, इधर ऊपर लिखा हुआ है नूडल्स, नूडल्स के साथ मिलती हैं, लेकिन अगर लगी हुई थी तो फिर मुझे अच्छी लगी, मैंने ये भी दो ले ली। ये मुझे 20-20 रुपये की मैंने ली दो, ये और ये 120 रुपये के दो लिए। ये एक प्लेट ली है मैंने पर्पल कलर की, ये भी 120 रुपये की ली है मैंने। एक ये छोटी ट्रे ली, ये भी 120 रुपये की मिली है, अच्छी है ये भी। और ये एक मैंने ट्रे ली है, इसको सर्विंग ट्रे बोलते हैं, जैसे कबाब वगैरह कटलेट्स वगैरह इधर रखो, चटनी या टमाटो केचप के साथ उसको सर्व करो तो इजी रहता है, एक ही प्लेट में तीनों चीज़ें। तो एक ये ली है मैंने, ये भी मुझे 120 रुपये की मिली है। हम आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिली है, ये मैंने होल सेल मार्केट से ली है। अगर जो कराची रहते हैं लोग तो उनको मैं बता दूं कि ये मैंने गुल प्लाजा से कुछ चीज़ें खरीदी हैं और कुछ मैंने बोल्डन मार्केट से खरीदी हैं। ये जो मैंने नॉन स्टिक का तवा और ये फ्राई पैन लिया, ये मैंने इम्तियाज़ स्टोर से लिया था। तो जिसको ये चीज़ें ख़रीदनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि आपको ये चीज़ें चाहिए, तो फिर मैं आपको दुकान का नंबर वगैरह और एड्रेस वगैरह बता दूंगी, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं, जैसे आम आमदन शॉप्स वगैरह से या किसी स्टोर वगैरह से लेते हैं तो वो हमें महंगी चीज़ें पड़ जाती हैं, तो ये होल सेल जो प्राइस वाली शॉप होती है वहाँ से हमें काफ़ी सस्ती चीज़ें और हमारे बजट के मुताबिक मिल जाती हैं, जितनी हमारी रेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ही ख़रीदी हैं और मैं अक्सर वहाँ से ही ख़रीदती हूँ। तो फिर मैं आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको शॉप नंबर और वो बता दूँगी, सारा एड्रेस वगैरह सेंड कर दूँगी। और एक बात, अगर किसी को बेकिंग वगैरह का शौक है, जो बेकिंग के शौकीन है, ज़्यादातर लोग बेकिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से वीडियो
बनाएंगे, वहाँ भी एक रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी बेकिंग की चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर मैं आपको वो भी वीडियो बताऊंगी, बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड यही काम करते हैं, वो तो उधर वो अक्सर जाते रहते हैं, तो वो आपको आपके साथ वीडियो बना के तो शेयर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग था, ये हमारा आज की शॉपिंग थी क्रॉकरी में, छोटी सी शॉपिंग थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर आपके पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आपको वीडियो अच्छी लगी आज की तो मैं कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा चैनल मज़ीद अच्छा ग्रो करे और हमारे भी दिल जोई हो कि हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। हम काफ़ी जगह पे जाते रहते हैं, तो जो भी ऐसी चीज़ें जैसे घर के की लिहाज से हों, घर के इस्तेमाल के लिहाज से हों, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, और आपको ड्रेस वगैरह भी बताया करूँगी कि यहाँ से ये मिलती हैं। जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए तो ईजी है, लेकिन कुछ दुकानों में ये भी होता है कि ऑनलाइन भी उनके साथ शेयर की जाती हैं, वो अगर कोई मंगवाना चाहे तो वो ऑनलाइन भी उनसे मंगवा सकता है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को बता दूंगी कि यहाँ से मिलती है, तो आप अच्छे से वहाँ जा के खुद से बाय कर सकते हैं। तो आप इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।